पूजा पूजा पानी की बोतल ले आओ। पूजा पानी लाना। You're a limit patient. Last drink, okay? क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? फिल्म का शो खत्म होने वाला है। पांच मिनट में तुम्हारी और मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा। पापा पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। अब तक जिसने भी देखी है, सबको अच्छी लगी है। तुम खामखा परेशान क्यों होते हो? सिनेमा हॉल में पब्लिक के सामने फिल्म क्या से क्या हो जाती है? पूजा, इस पिक्चर में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है। काफी उंगलियां भी साइन की है। अगर फिल्म को कुछ हो गया तो रितेश, कुछ नहीं हुआ रितेश, कुछ नहीं। यहीं कमाया था, यहीं कमा दिया, फिर कमा लेंगे। मुझे मेरी फिक्र नहीं पूजा, मुझे तुम्हारी और रोमी की फिक्र है। हम दोनों को तुम्हारा साथ चाहिए। तुम ठीक हो ना तो हम भी ठीक हैं। ये मेरे प्रॉपर्टी के कागजात, ये कैश, बंगले की चाबी और गाड़ियों की चाबियां, और तो किसी का कुछ नहीं रहा है ना भाई जी। मेरे कमीशन के 2000 रुपए हैं। बेचारा फिल्म बनाने चला था, दौलत से भी गया, एक्टिंग से भी गया, सड़क पर आ गया। ये देख, तेरे बाप की पहली फिल्म रिलीज होने पर फिल्म इंडिया ने क्या लिखा है। रंजन के बाद फिर एक ऐसे हीरो के राइवल जो हॉलीवुड एक्टर्स की याद दिलाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया करीब, रितेश की तलवारबाजी का कमाल। बहुत धमाल किया तेरे बाप ने। अरे अल्लादीन के सिल्वर जुबली पार्टी पर द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑन अर्थ श्री राज कपूर से हाथ मिलाता हुआ तेरा बाप रितेश। अरे बहुत दम है तेरा बाप में। हाँ नमस्ते मेम साहब।
अरे ये आपके लिए प्रसाद। अच्छा हुआ तू आ गया, ये कुछ बोतलें हैं और ये कुछ रद्दी, इन्हें बेचाना और आते वक्त ये मंगलसूत्र गिरवी रखना। क्या क्या कह रही है मेम साहब? नहीं, अब उनके पोस्ट ऑफिस में बहुत पैसा जमा है, साहब का ही तो है। नहीं मेम साहब, मैं लेके आता हूँ, पर आपके सुहाग की निशानी को नहीं जाने दूंगा। मेरा सुहाग तो मेरे पास है, और फिर इस निशानी से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसे बेच थोड़ी ना रही हूँ, पैसे आते ही ले लूंगी वापस। पैसा कहाँ से आएगा मेम साहब? साहब तो किधर भी आता जाता है नहीं, समझाओ ना आप उनको। कब तक जेवर बेच बेच के अपना घर चलाता रहेगा? ये दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, क्रिकेट खेलता हुआ प्राइम मिनिस्टर से हाथ में। और अपने बेटे को ये भी बता दो, ये तस्वीर 5 साल पुरानी है। पुरानी हुई तो क्या हुआ, तस्वीर तो मेरी है ना। मेरी है तस्वीर? हाँ, तुम्हारी शक्ल से जरूर मिलती है, पर तुम्हारी नहीं। तुम वो आदमी रहे कहाँ हो रितेश? कहाँ है वो शान, कहाँ है सारी शोहरत? सच्चाई का सामना करो रितेश, प्लीज। शोहरत ना हो तो क्या, आदमी का चेहरा बदल जाता है। दूसरों का पता नहीं, लेकिन तुम जरूर बदल गए हो। पिछले 24 घंटे से लगातार शराब पी रहे हो। तुम बताओ, चाहे इस बोतल के खत्म हो जाने के बाद भी इसकी कीमत वही रहती है? खत्म होने से इसकी कीमत कुछ नहीं रही, मगर मैं बोतल नहीं हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। मेरे जी में जो आया मैं वही करता रहा हूं और वही करता रहूंगा, समझी? पूजा, नशे में मैंने तुम्हें डांट दिया। तारा दोष नशे का है, तुम्हारा कुछ नहीं? हाँ, मेरा भी है। पूजा, I love you, I love you पूजा, I love you पूजा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अब भी अपने आप को संभालो रितेश। घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, कुछ तो करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी तस्वीर लेकर लोगों के ऑफिस में जाऊं, उनसे हाथ जोड़कर कहूं कि मुझे नौकरी चाहिए? उफ़ रितेश, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लोग तुम्हें काम देने नहीं आते, तुम बाहर जाकर काम नहीं ढूंढोगे, कैसे चलेगा? अरे जेवर बिक गए। तुम जानते हो ये खाना जो तुम खा रहे हो, वो शराब जो तुम पीते हो, और ये शर्ट जो तुमने पहन रखी, ये कहाँ से आती, कैसे आती है? बता रोमी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये खाना, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये शर्ट, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये एहसान, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रितेश, आज नजमा नहीं आई? जी नजमा। हाँ भाई, नजमा तुम्हारी तरह हाउसकीपिंग में है, मदद करती है। सर मुझे आकर 2-3 दिन ही हुए। हाँ हाँ, अच्छा नहीं आई हो, खैर मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था। एनी प्रॉब्लम सर? वेल वेल, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कैन यू हेल्प मी? देखिए ना, आपके हाउसकीपिंग में कोई फोन ही नहीं उठाता। आई एम सॉरी सर, मैं खुद ही देख लेती हूँ। प्लीज। या कनेक्ट टू हाउसकीपिंग प्लीज। हाउसकीपिंग, दिस इज 319, कुड यू सेंड समवन प्लीज? थैंक यू। 10 मिनट में आपका कमरा साफ हो जाएगा। सुनो जी, ये रख लो,
ये किस लिए? अरे नजमा ने तुम्हें बताया नहीं? मैंने आपसे कहा ना मैं किसी नजमा को नहीं जानती। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चाहती हो तुम्हारी फीस नजमा से ज्यादा हो। ओके योर ट्रंक। ज्यादा नखरा करके अपना भाव मत बढ़ा, समझी? औरतों की आजादी, मर्दों की बराबरी, सब किताबी बातें हैं। सच तो यह है कि जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो हर मर्द उसे हवस की नजरों से देखता है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो शौक के लिए नौकरी करती है। नौकरी मेरे लिए मजबूरी है। पेट की भूख मिटाने निकली थी और खुद ही किसी की भूख का शिकार बनने वाली थी। आई थिंक वी शुड बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। क्या नाम बताया था? पूजा। पूजा, वैसे तो मेरा हेड ऑफिस बैंगलोर में है लेकिन एक ऑफिस मेरा बॉम्बे में भी है। अगर तुम होटल की नौकरी छोड़कर मेरे यहाँ काम करना चाहती हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसे मेरा एहसान मत समझना। आई नीड समवन एंड यू कैन जॉइन मी। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर सर। शराब में भी तो याददाश्त तुम्हारी कमजोर होती जा रही है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुबारक। सॉरी रितेश। वो आदमी कौन? कौन आदमी? जो तुम्हें छोड़ने आया। आलोक बहुत भला आदमी है रितेश। आज से मैंने होटल की नौकरी छोड़कर उनकी फर्म ज्वाइन कर ली। बाहर जाओगी तो भला आदमी मिलेगा ही, और वो भला आदमी तुम्हें रात के 11 बजे घर छोड़ने भी आएगा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो रितेश। ना, शक नहीं कर रहा। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती से अच्छे अच्छे की नीयत बता सकती है, भले आदमी की भी। तुम एक काम करो रितेश, मेरा चेहरा बिगाड़ दो, हाथ डाल दो मुझ पर। घर पर नहीं बैठ सकती। अगर तुम घर में बैठोगे और मैं घर में बैठूंगी तो घर कैसे चलेगा? जब से काम करने लगी हो जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। मम्मी, मच बेटर। कंटिन्यू विद द सेम टैबलेट्स पूजा। ये आए दिन की मारपीट, ये क्या हो गया रितेश? पहले तो ऐसा नहीं था। काम में ही रहने से कुछ खिंच सा गया, एक बेनाम सा गुस्सा। लोग ग्लासें और प्लेटें तोड़ते हैं, वो मुझे मारता है। तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं अनिल, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि मैं अपने घर की बातें बाहर वालों से करती हूँ। मैं बाहर का आदमी हूँ। तुम तो अपने ही हो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। मैंने रितेश के प्यार की इंतहा देखी है, उसके क्रोध और अपने सब्र की सीमा देखना चाहती हूँ। पूजा, मैं डरता हूँ तुम्हारी ये जिद तुम्हारे घर को तोड़ के ना रख दे।
पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई नई बात है? बात वही पुरानी है, लेकिन आज मैं ठंडे दिमाग से कहूंगा और तुम ठंडे दिमाग से सुनोगे। हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है। तुम ये नौकरी छोड़ सकती हो पूजा, इसलिए कि तुम आलोक से प्यार करती हो। आलोक अच्छा आदमी है, मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मेरा दोस्त है बस। तुम मेरे पति हो, रोमी मेरा बेटा है, लेकिन रितेश इन सारे रिश्तों से पढ़कर एक और भी रिश्ता है मेरा अपने आप से। रिश्तों की भीड़ में मैं अपनी पहचान भूल गई थी। मैंने नौकरी पैसों के लिए की थी, लेकिन अगर आज तुम ये जरूरत पूरी कर भी दो तो भी मेरा काम करना बहुत जरूरी है रितेश, अपने आप से पहचान बनाए रखने के लिए। इसके लिए तुम्हें इस घर से रिश्ता तोड़ना होगा और मुझसे भी। सोच लो, सालों के रिश्ते तोड़ने से नहीं टूटते रितेश। सोच लिया। ठीक है, मैं चलती। लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगी, रोमी की खातिर आऊंगी, जिस दिन मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। पूजा, घर बसाने में सालों साल लग जाते हैं, तुमने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल में तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए और रितेश से माफी मांग लो। मैंने घर नहीं छोड़ा, घर ने मुझे छोड़ा है, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है, मुझे मदद चाहिए। पूजा, मैं नसीहत नहीं दे रहा, मैं एनीवे, बेंगलोर में तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो सकता है, अभी से मेरा एहसान मत अपने ऊपर समझना। मैं उन लोगों में से नहीं जो मदद के बदले में कुछ चाहते हैं। बेंगलोर में भी हम दोस्त के नाते रहेंगे, एक औरत और एक मर्द होने के नाते तुम में और मुझ में उतना ही फासला होगा जितना आज है, सो यू कैन रिलैक्स। ओके, थैंक यू अलोक, थैंक यू। बर्थडे बेटे, आई लव यू। पापा, अभी अभी मेरे सपने में सैम आया था। जन्मदिन की मुबारकबाद देने आया होगा। पर पापा, जब वो मर गया तो मेरे सपने में कैसे आता है? वो नहीं आता, उसकी याद आती है। सपने तुम्हारी यादें हैं बेटे। पापा, मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? जो मांगोगे दूंगा। मेरी मां तकिए के नीचे लिख कर रखी है, नहीं जब मैं बाथरूम में जाऊं तभी निकालना। ओके ओके, कम ऑन, गो एंड हैव योर बात, कम ऑन कम ऑन। पापा, मुझे मेरी मम्मी वापस ला दो। देख रोमी,
अब मम्मी का हम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो हमें छोड़कर चली गई हैं। वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी और ना ही मैं उसे आने दूंगा, समझे? इसलिए मम्मी को छोड़कर तो कुछ भी मांगने में दे दूंगा। आज तेरा जन्मदिन है ना, तो मुंह लटका के क्या चल रहा है? अच्छा यार, मैंने तेरे पे चिल्लाया ना, बुरा किया। बाय बाय, माफ कर दे यार। कर देना, ये हुई ना बात। आखिर बेटा किसका है? आज तेरा जन्मदिन है बेटे, जो चाहे मान। पापा, आपने वो अलादीन और उसके जादुई चिराग में काम किया था ना? ऑफ कोर्स, वो मेरी सिल्वर जुबली पिक्चर थी। तो पापा, मैंने अपने क्लास से प्रॉमिस किया था कि जब मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं पापा की वो फिल्म दिखाऊंगा। दिखाएंगे ना पापा? मैं अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बोल दूँ ना पापा? हाँ, बोल दे बेटे, बोल दूँ ना। बाय पापा। बाय बेटे। ठीक है जी। कम इन। हेलो विजय। बोलो क्या बात है? यार बड़ा मजा आया, कल तुम्हारी पिक्चर देखी कातिल, तुमने तो सबकी छुट्टी कर दी। ये तो मेरा पहला छक्का था, अब देखना मैं क्या करता हूं। यार विजय, आज रोमी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। यार वो ये जानकर बहुत खुश होगा कि अंकल ने मुबारकबाद दी है। वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, उसने अपने क्लास के दोस्तों के लिए पार्टी की फरमाइश की है। तो कर दो, मुझे क्या कह रहे हो यार? अंडी लिए मुझ जरा ठीक कर देना। यार विजय, एक 200 रुपये का बंदोबस्त हो सकता है? तुम तो जानते हो कि आजकल मेरे काम कुछ ज्यादा ही ठंडा चल रहा है। देखो रितेश, एक कहावत है, राह में किसी अंधे को देखो तो उसे भीख मत दो, जोर से लात मारो, ये उसके लिए एक उपकार है। देने में क्या है, मैं तुम्हें 2000 रुपए दे सकता हूं, लेकिन फिर तुम्हें भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरा दोस्त भिखारी बने। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं यार, मैं तो उधार मांग रहा हूं, मैं लौटा दूंगा। बच्चे का दिल टूट जाएगा यार। यार कौन से रियासत का राजकुमार है जो उसका दिल टूट जाएगा? मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में यह भी तजुर्बा करके देखो कि बेटे का जन्मदिन है और तुम मना नहीं सकते। या तुम आर्टिस्ट आदमी हो, इस इमोशन पोर्ट्रे करने का वक्त आया तो आसानी होगी। ओके, सुनो यार, मुझे अपना डायलॉग सीखना है। ओके अनिल। अच्छा विजय, चलता हूं यार। I'm sorry, पूजा जी, आप रोमी से नहीं मिल सकती, उसके बाप ने बहुत सख्ती से मना किया है। मैं रोमी की माँ हूँ। देखिए, बेंगलोर से आई और मुझे लगता है कि आज उसका जन्मदिन है, मैं उसके दोस्तों में कुछ मिठाई बांटना चाहती हूँ, इसमें किसी का क्या बिगड़ सकता है? देखिए मैडम, स्कूल के अपने कायदे कानून है, डिसिप्लिन है, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आई एम सॉरी। कैन आई सी हिम वंस प्लीज? मैडम प्लीज। चलो, थैंक यू।
ए बच्चा लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Romi, happy birthday to you। मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जमीन आसमान एक कर दिया और जगन से भी पैसा लिया है? और उसके बाद जुआ खेला और हारता गया और आखिर में एक अठन्नी बची और उस अठन्नी पे मैंने तेरे नाम का मंत्र पढ़ा और फिर डाव में लगा दिया और डाव में लगाने के बाद जीता गया। Happy birthday, come on! बोला जी मेरा मतलब ये है कि की हुक्म आका।
विषय इसकी दूजी कर दे तू पूरी अभी ख्वाहिशय इसकी दूजी कर दे तू पूरी अभी अब्बा बक्का तीन तलक्का लयम लाठी ठयम ठोस हमारा नाम अल्लादीन क्या है हमारे पास अल्लादीन बाबा क्या नतीबा जाका फिर से बुलाओ ना जिन पटाक डम डम पत्थर अंतर मंत्र काम कर अंतर नाम का बंतर हाँ छू छा छू छा छू छा हुकम से आका हाँ क्या बोला तुम चक्का हुकुम बोला आका ये इसकी दीदी कर दे तू पूरी अभी हा 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 ये इसकी दीदी ला 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 कर दे तू पूरी अभी तम ऊट पिला गोलम बगू शारी शेती ये हुर्रा किसी चीज की कीमत का एहसास उसे खोकर क्यों होता है पूजा बहुत अच्छी लग रही हो तुम बहुत अच्छी और तुम तुमने अपना क्या हाल बना रखा है बहुत बुरा लग रहा हूं बुरा जो हूं नहीं पूजा तुम बुरी नहीं मैं बुरा नहीं तो फिर वाला कैसे हुआ है इसलिए कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देकर थक गई थी आज रोमी का जन्मदिन है तुमने उसके स्कूल वालों से मना किया कि मैं उसे नहीं मिल सकती हाँ किया क्यों क्योंकि मैं नहीं चाहता
वक्त उसे मिल सकती हूँ। नहीं पूजा, वो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बिना जीना सीख रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे मिलकर। रितेश प्लीज, एक नजर उसे देख सकती हूँ। नहीं पूजा प्लीज, सोते वक्त। नहीं पूजा, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपने हक के लिए लड़ू। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम मुझे किस बात पर मजबूर कर रही हो? जब तुम हमें छोड़कर चली गई हो तो बार बार हमारे जीवन में क्यों आती हो? मैंने रोमी को नहीं छोड़ा रितेश, और छोड़ूंगी भी नहीं। पूजा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बहुत अरसे के बाद आज के दिन इस घर में खुशी आई है। तुम इसे मत छीनो, मत छीनो पूजा। क्यों बे, तेरे बाप ने सवेरे सवेरे पीनी शुरू कर दी क्या? हाँ? नहीं। फिर ये सोडे किसके लिए? तेरी माँ के यार के लिए क्या? हाँ? क्या? अबे वो तो भाग गई उसके साथ, है ना? अबे ये सोडे तो लेके जा, तेरी तो क्यों? क्या बेटे? बोल बेटे, क्या हुआ? शराब पीकर गुंडा गर्दी भी शुरू कर दी तुमने, और कहां तक गिरोगे? हाय, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी है, यहां साइन कर दो। क्या? एंड ट्राई नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना एड्रेस यहां लिख देता हूं। बाय मम्मी। बाय। सुनो, थैंक यू इंस्पेक्टर। 4 तारीख को रोमी की पोजीशन का केस है, अदालत में आ जाना। आऊंगा। मिलॉर्ड, मैं अब तक यह साबित कर चुका हूं कि मिस्टर रितेश एक बुरे शहरी, एक बुरे पति और एक बुरे बाप हैं। अपनी आमदनी के जो सबूत इन्होंने अदालत में पेश किए हैं वो झूठे हैं। ऐसी कोई फिल्म कंपनी है ही नहीं जिसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो। ये सिर्फ बातों की खाते हैं, दिन रात शराब के नशे में गर्क रहते हैं। अभी अभी मारपीट के जुर्म में हवालात रहकर आए हैं। पिछले 6 महीने से इसने अपने बेटे के स्कूल की फीस नहीं भरी है और उसका नाम स्कूल से कटने वाला है। ये बाप अपने बेटे की देखभाल करने के नाकाबिल है। अगर ये बच्चा इसके पास रहा तो वही बनेगा जो कि इसका बाप है।
सोसाइटी के जिस्म पर रेंगता हुआ कीड़ा। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि बच्चे का कब्जा उसकी मां को दिलवाया जाए। हां जज साहब, हां वकील साहब ने यह साबित कर दिया है कि मेरी जेबें खाली है, मेरी आमदनी का कोई भरोसा नहीं। पर मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि बच्चे के परवरिश के लिए क्या सिर्फ पैसों की जरूरत होती है? आज से 3 महीने पहले रोमी के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था, वो रात रात तड़प तड़प कर रोता था। तब पूजा कहां थी जब रोमी अपने क्लास के स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया था, जब वो घर शील्ड लेकर आया था? उसके जीत के खुशी में क्या पूजा शामिल थी? नहीं जज साहब, नहीं, वो किसी पराए मर्द के प्यार में अपने आप को खोज रही थी। हां जज साहब, मैं बुरा आदमी हूं, वकील साहब जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। जिस दिन मैंने अपनी स्टारडम खोई थी, उस दिन मैं सोसाइटी की नजरों में गिरा था, अपनी नजरों में नहीं। पर जब मेरी बीवी ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया था, तब मैं अपनी नजरों में गिर गया था साहब। मैं अंदर से टूट गया था साहब, टूट गया था। जज साहब, ये एक ही तार है जिसने मुझे जिंदगी से जोड़कर रखा है, इससे मछीनेगा जज साहब। अगर इन लोग ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तो मैं मर जाऊंगा जज साहब। इस भिखारी की झोली में सिर्फ यही हीरा है, एक ही मकसद है, एक ही मकसद है। मिस्टर रितेश, अपने जज्बात पे काबू पाइए, आप अदालत में हैं। बच्चा मां के पास रहे या बाप के पास, इन दोनों पक्षों की दलीलें तो मैंने सुन ली हैं, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, बच्चे का पक्ष, जिसके भविष्य का फैसला होना है। लेकिन जज साहब, बच्चा नाबालिग है, अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है। मिस्टर देसाई, बाप आप भी हैं और मैं भी, और हम दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे को पालने के लिए दौलत से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, और बच्चे प्यार की भाषा अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे को कल अदालत में पेश किया जाए। चलो पूजा, अच्छा पूजा मैं अपने कमरे में चलता हूं, तुम भी सो जाओ, सुबह अदालत जाना है, और सोने से पहले नींद की गोली जरूर खा लेना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ओके आलोक, इस तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह रोमी की खातिर लड़ना मुझे कुछ। पूजा, रोमी की पोजीशन के लिए कोर्ट जाने का आइडिया तुम्हारा था, रिमेंबर? हाँ, मगर इस तरह भरी अदालत में उसे नंगा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग भाई, अब कोर्ट कचहरी जाओगी तो ये सब तो होगा ही ना, और रितेश ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं दिखाई। अब वो रोमी को अदालत में बुला रहे हैं, उसके साथ भी ये सब हो। पूजा, आई अंडरस्टैंड, बट इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं ना। बच्चे को पेश किया जाए। सामने के कटेर में जा बैठे। रोमी बेटा,
अब तक तुम्हारी समझ में आ चुका होगा कि तुम्हारे माँ बाप में झगड़ा हो चुका है और उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया है। तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे बेटा? दोनों के साथ। रोमी, तुम जानते हो तुम्हारे पापा शराबी हैं? मिस्टर देसाई, प्लीज कीप साइलेंस। सॉरी सर। बोलो बेटा, मम्मी या पापा? मुकदमे के हालात और दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद अदालत रोमी का कब्जा उसके बाप रितेश आनंद को देती है, लेकिन उसकी मां पूजा को भी हक है कि वो जब चाहे अपने बेटे को देख सकती है जब तक के रोमी बालिग नहीं हो जाता। उसके बाद उसको पूरा अख्तियार है कि वो चाहे बाप के पास रहे या मां के पास। कल कितने बजे? यही 10:30। 10 और 10:30 के बीच में पूरे 30 मिनट का फर्क होता है पूजा। 10 बजे, ओके? ओके। बाय पापा। बाय। के हम तुम मिले, मुड़ के देखा तो है फासले, चलते चलते ठोकर लगी नादे वादे, आवाज दे के नकाश के हम तुम मिले, मुड़ के देखा तो है फासले, चलते चलते ठोकर लगी यादें वादें, आवाज देते नकाश। चुभते रहे ऐसे कांटों को क्या नाम दे, गैर होते तो हम सोचते कैसे अपनों को इल्जाम दे, शिकवा हमसे नकाश।
वाले लोगों की आंखों का नूर आज कोई नहीं देखता, क्या हुआ हमसे ऐसा कसूर, ऐसा होगा सोचा बदल जाते काश। चमका दिया मेरे हंसते हुए चांद ने, आज है खुद वही दर बदर, हमको आया था जो बांधने, आंसू आए गिरने लगे सूखे पत्ते, उड़ जाते काश। बात मुद्दत के हम तुम मिले, मुड़ के देखा तो है फासले, चलते चलते ठोकर लगी भी शराब पीते हैं। शराब वो तो छोड़ी दी। ए। अब मम्मी तुमसे क्या झूठ बोला, पीते हैं लेकिन कम कर दिए। मम्मी जब पहला पैक बनाते हैं तो कहते हैं रोमी, ए रोमी खाना खाया, मैं कहता हूँ खाया तो कहते हैं नहीं और खा, ये खा वो खा, बस खा खा खा। जब दूसरा पैक बनाते हैं ना तो उनकी एल्बम खुल जाती है, कहते हैं ये देख मैं अल्लादीन बना हूँ, ये देख हतीम तैकी सिल्वर जुबली की पार्टी, ये देख हमने बहुत पहले मिस्टर एक्स में काम किया था। और तीसरा पैक, जब तीसरा पैक बनाते हैं ना तो उनकी सुई जो है ना अटक जाती, कहते हैं पूजा इधर आओ, पूजा वहां किचन में क्या कर रही हो, पूजा हमारे पास बैठो, पूजा हमसे बातें करो, पूजा आज चूड़े में बड़ा मजा आया, पूजा मम्मी आपको पापा की याद नहीं आती? आती तो फिर मुश्किल क्या है, आप दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? रोमी तू नहीं समझेगा, बहुत छोटा है, रमेश
जाओ बेटा। बाय मम्मी। बाय। चलो। बाय रितेश, तुम चाहो तो मेरी गाड़ी तुमको छोड़कर आ सकती है। ना साहब, मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं अपने बच्चे को टैक्सी में ले जा सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कम ऑन सर, कम ऑन। ए रोमी, क्या हो बेटे? कुछ नहीं पापा, कुछ आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था। रोमी का वजन लगातार घटता जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। 400-500 का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके टेस्ट निकलवाने। तुम कहना क्या चाहते हो अनिल? पापा मैं इसलिए कुछ भी कहने से डर रहा था, रोमी की बात होती है तो तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। याद है जब पहली बार मैंने उसे टीका लगाया था, तुमने मुझे जोर से थप्पड़ मारा था, याद है? I'm sorry. यार आजकल टेस्ट निकलवाना मामूली बात है। Remember, prevention is better than cure. आओ मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? No thanks. Are you sure? Sure. अच्छा, घबराना नहीं। And don't drink too much. Okay? Bye. Bye bye. Thank you. you go. लेकिन विजय साहब, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आज आपका कितनवां जन्मदिन है। मैं पिछले 5 साल से अपना 25वां जन्मदिन मना रहा हूँ और मैंने ये फैसला किया है जब तक तुम 17 साल की नहीं होती मैं 25 साल का ही रहूंगा। रितेश, कहाँ घुसे आ रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? बिन बुलाए चले आते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों भाई साहब, विजय की चमचागिरी करके उसका सेक्रेटरी क्या बन गया? अपनी औकात भूल गया? मैं विजय से मिलने जा रहा हूं। विजय, विजय, जन्मदिन मुबारक हो यार। थैंक यू। सॉरी सर, आने में देर हो गई। रोमी, अंकल को विश कर। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू। अब आ ही गए हो तो एक ड्रिंक ले लो। एक ड्रिंक? याद है जब हम मरीना गेस्ट हाउस में रहा करते थे, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे लिए एक ठर्रा की बोतल खोली थी। ये ठर्रा नहीं, स्कॉच विस्की है, जरा ध्यान से पीना। पूरी बोतल पीऊंगा। चल बेटे। हाँ तो मैं कह रहा था कि पापा मुझे बाथरूम जाना है। चल। पापा दरवाजा लॉक मत करना। रोमी का वजन लगातार घटता जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। 400-500 का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके टेस्ट निकलवाने। रोमी का वजन लगातार घटता जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। अच्छी बात, 400-500 का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके टेस्ट निकलवाने। रोमी का वजन लगातार घटता जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। अच्छी बात, 400-500 का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके टेस्ट निकलवाने। चल बेटे। चल बेटे। पापा घर चलो। खाना खा के जाते बेटे? नहीं। नहीं। चलो एक ड्रिंक लेते। पापा, चलो। चलते हैं बेटे। रितेश। हाँ जी। सर आउट नेक्स्ट मिनट। कम ऑन कम ऑन।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूं। साहब 500 रुपए देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रहे 500 रुपए। मैं इन 500 रुपयों को इस जेब में डालता हूं। अब यही 500 रुपए मैं रितेश की जेब से निकालूंगा। क्या मजाक कर रहे विजय, मेरे पास 500 रुपए कहां से आएंगे यार? नहीं यार, किसको बोलता है? हरामजादे, एक तो बिना बुलाए पार्टी में आता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छी शराब पीता है और उसके ऊपर चोरी करता है। बोल बोल, कहां से आए ये पैसे? आप सब ये बीच में से मैं निपटता हूं इससे। क्यों बे साहब? साहब प्लीज अंकल, सॉरी अंकल, मत मारो पापा। सॉरी अंकल। साहब आप भी अपने दिल के हाथों मारे जाते हैं, पुलिस में बंद कराया था साले को। कमान इट्स ओके, होता है। मुझे समझा कहता साला, डोंट वरी, कमान। मैं तो आपके लिए छोड़ दिया है। प्लीज हैव अ ड्रिंक, मैं मारूंगा साले को। ड्रिंक्स लाना। अरे बाबा, बाबा। पापा, पापा। यह नहीं पापा, वाह पलंग पर। पापा चलो, चलो पापा उठो, उठो पापा, चलो उठो, उठो पापा, चलो वाह पापा, पापा चलो। उठिए, सुबह हो गई, गर्म पानी तैयार है, आप ना लीजिए तब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। उठिए ना। बेटे कल रात जो हुआ उसके लिए हम सॉरी, आपको मालूम है एक बार मैंने सनी का पेन चोरी कर लिया था और पकड़ा गया था। पूछिए मत, टीचर ने मुझे सारा दिन बेंच पे खड़ा कर दिया था। पर पापा, चोरियां तो सभी करते हैं, हमारी किताब में लिखा है कि भगवान कृष्ण भी चोर थे। हाय रितेश, आओ। सर मिस्टर अली, टेल हिम आई एम नॉट हियर। और सुनो, अगले एक घंटे के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझे? ओके। बड़ा स्मार्ट लग रहा है यार, क्या बात, सब ठीक तो है ना रितेश?
रोमी को कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने, उसे इलाज नहीं धीरज की जरूरत है। रितेश, रितेश, आप बता सकते हैं रितेश, रितेश मेरी बात तो सुन। पापा, डॉक्टर क्या कहते हैं? ए पापा। बेटा, डॉक्टर ये कह रहा है कि तू पढ़ाई में ध्यान ज्यादा और खेलकूद में कम दे रहा है, इसलिए वजन गिर रहा है। कल से स्कूल जाना बंद और खेलकूद शुरू। देखना, देखते देखते मैं तुझे दारा सिंह नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। पापा, आप मेरी तरफ देखिए। देख लिया? देखते रहिए। अब कहिए डॉक्टर क्या कहते हैं। पापा, मैं ठीक नहीं होने वाला ना। तुमसे किसने कहा? पापा, आप झूठ बोलते हैं ना तो पकड़े जाते हैं। बेटे, जिस तरह तुम मुझे प्यारे हो ना, उसी तरह भगवान को भी तुम पर प्यार आ गया है। पापा, मैं मरने वाला हूं। बेटे, मरना तो सभी को है, डॉक्टर अंकल को भी, मुझे भी। जो पैदा होते हैं ना, वो मरते भी है। एक दिन सभी को जाना बेटे, और फिर भगवान, भगवान तुम्हें बहुत संभालेंगे, बहुत प्यार करेंगे तुम्हें, मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे बेटे। पापा, आपने मुझे जो दिया है वो बहुत है, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। आप भगवान से कह देना। मैं झूठ बोलता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ बेटे, सच ये है कि भगवान मेरी नहीं सुनता। चलो पापा, आप और मैं कहीं जाकर छुप जाते हैं। बेटे, इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं जो मां से छुपी हो। ए, क्या सोच रहा है बेटे? अल्लाह जी। पापा, जाने से पहले मैं अपने अधूरे अरमान पूरे कर सकता हूँ? हाँ बेटे। आपकी अलादीन वाली फिल्म में जिन्ने आपकी 3 मांगे पूरी की थी ना? की थी? अभी मेरे 3 अरमान पूरे करेंगे? करूंगा। कोई से भी? कोई से भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा पहला अरमान, मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। मेरी सारी क्लास सितंबर में जाएगी, पर तब तक तो मैं रहूंगा नहीं। आपने जवाब नहीं दिया पापा। जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म। साहब, आज अपन का मंगलवार है, मेरा दिल बोलता है आपका काम बन जाएगा। एक बात बोलूं साहब? बोल। अंदर कैसा भी रोल हो ना,
हाँ बोल देना। खूब पैसा मिलता है साहब। अपन वो फॉरेन फिल्म थी ना, हाँ साहब, उसमें हम लाइट बॉय का काम किया था, 10,000 रुपया मिला था साहब। अच्छा? हाँ बोल देना साहब। ओके बाय। आई विल कॉल यू। ओके रितेश। चल प्लीज सिट डाउन। थैंक्स सर। मैडम इज रितेश, वन ऑफ आवर लीडिंग मैन। वेल सॉर्ट ऑफ। Will you explain the situation to him? Yes, sir. देखो रितेश, बात यह है कि इनका एक एक्टर हिंदुस्तान पहुंचते ही डिसेंट्री से बीमार पड़ गए। रोल बहुत अच्छा है, पैसे ही बहुत मिलेंगे। What is he saying? He says he can deliver the goods. Tell him he's hired. Give him the call sheet. Thank you, sir. Thank you, ma'am. कुछ है बनाया जादू से, है उड़ाया जादू से।
सब कुछ है रचाया जादू से। अब मैं आपको अपनी दूसरी मांग बताने वाला हूँ। बताऊँ? बता बेटे। बार बार सपने में मैं एक जगह देखता हूँ जिसमें मैं खुद को आपके और मम्मी के साथ पाता हूँ। कहाँ हो सकती है यह जगह? बेटे शायद ये जगह ऊटी में है। जब तू छोटा था ना तो तेरी मम्मी और मैं वहाँ अक्सर जाया करते थे। पापा मैं आपके और मम्मी के साथ वहाँ जाना चाहता हूँ और उस जगह को ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन बेटे तुम्हारी मम्मी। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे वहां जाना है और आपके और मम्मी के साथ ही। बोलो हाँ मेरे आका। हाँ मेरे आका। I love you, पापा। कल रात हम लंदन जा रहे हैं और अभी तक ये नहीं मालूम कि फ्लाइट का नंबर क्या है। डैडी को फोन पर क्या कहूंगा? गेट आउट। हेलो हेलो रितेश। हेलो। हेलो बेटा। हेलो अंकल। बेटे तू भाग जा। उषा बाबा का ख्याल रखना। कम ऑन बैठो। बोलो रितेश क्या बात है? आलोक कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि आर ओ एम आई रोमी। गुड। एम U M M Y Money. Good. वाह, what a performance! मैंने तो वाकई मान लिया कि तुम कमाल के एक्टर हो। क्या कहानी गढ़कर लाए हो, very dramatic. मुझे तो रोना आ गया था। आलोक ये कहानी नहीं है, it's a fact. Oh come on रितेश, तुम ये कहना चाहते हो कि जो लड़का हंसता खेलता अंदर आया और जो बाहर चिल्ला रहा है वो 5-6 महीने में मरने वाला है? ये दास्तान किसी और को सुनाना। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पूजा को छोड़ने की कीमत चाहिए तुम्हें? आलोक व्हाट? ये रोमी के टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, किसी डॉक्टर से चेक करा लेना। ठीक है, तो रिपोर्ट के चेक हो जाने के बाद ही तुम पूजा से मिल सकोगे। केस इज टर्मिनल। बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत कमीनी हरकत की मैंने। सॉरी रितेश। इट्स ओके। बेटा मम्मी के पास जाना है। चले। हाँ। हाँ? आओ। मुझ पर एक एहसान करो आलोक, ये बात जाके तुम ही पूजा से कह दो, मुझे नहीं कहा जाएगा। लेकिन रितेश मैं प्लीज। ओके आई विल ट्राई। अब एयरपोर्ट जाने से क्या फायदा,
जब तक हम पहुंचेंगे तब तक तो फ्लाइट निकल चुकी होगी। पूजा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? काश तुम तक ये खबर मुझे ना पहुंचानी पड़ती। कैसी खबर? पूजा, तुम्हारे रोमी को कैंसर है। फिर चोर ने बुढ़िया से कहा कि कल मुझे फांसी होने वाली है, अगर आज रात तुम अपनी बेटी से शादी करा दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दूंगा। बुढ़िया सोच में पड़ गई। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूं। इट्स ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने पूजा को ट्रैंकुलाइजर दे दिए हैं। She's feeling much better. You can meet her now. Thanks a lot. मैं पढ़ा देता हूँ। कहाँ पे थे बेटा? बुढ़िया सोच में पड़ गई। हाँ, बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक ही रात में बेटी दुल्हन बनेगी और विधवा भी, पर किसी को पता नहीं लगेगा और ऊपर से ढेर सारा सोना। से अपना कर्ज मांग रहा है। 100 साल में जो प्यार, जो ममता हमें उसे देनी थी, वो अब भी हम दे सकते हैं। बोलो, ये कर्ज तुम पूरा कर सकोगी? बोलो पूजा, ये कर्ज पूरा कर सकोगी? हाँ, थैंक यू वेरी मच आलोक। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मदद करोगे। थैंक्स अगेन। नहीं नहीं ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हम तुम्हारा बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। रितेश, पूजा एक मिनट। पूजा, रितेश प्लीज जरा आना। मेरे पिताजी की चिट्ठी आई है, उन्होंने हम दोनों को मांगने के लिए लंदन बुलाया है। सो एनीवे, इस वक्त कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुनासिब होगा अगर तुम दोनों जाने से पहले इन तलाक के कागजात पर साइन कर दो। थैंक यू, थैंक यू रितेश। पूजा तुम भी यहां पे। सच है, ट्रूथ इज रियली स्ट्रेंजर देन फिक्शन। अजीब इत्तेफाक है, आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी और आज ही। गुड लक, चल बेटे। ओके पूजा,
बाय। क्या आ जाएगा, तुम इससे पूरे 50 रुपए टीटी को दिए हैं। तो अब यहाँ कोई नहीं आएगा। कौन है वे? हटे। कौन है भाई साहब? ये कमरा कंपार्टमेंट रिजर्व्ड है। सरकारी ट्रेन है, 2 सीटें रिजर्व हैं और 2 खाली। ऊपर से मैंने भी 50 रुपए टीटी को दिए हैं रिश्वत के। देखिए भाई साहब, मैं एक फौजी अफसर हूँ, कल सुबह फ्रंट पे जा रहा हूँ। आज की रात मेरी और मेरी बीवी की पहली और आखिरी रात है, तो कृपा करके हमें अकेले छोड़ दीजिए। क्यों बेवकूफ बना रहे हो मुझे? क्या मैं पहचानता नहीं कि तुम फिल्म स्टार रितेश कुमार हो? और मैंने शमा में पढ़ा है हातमताई हीरों से तुम्हारा टांका भिड़ा है। और ये पताखा कौन है? पताखा आपकी भाभी है। देखिए, आपने टीटी को 50 रुपए दिए है ना, मैं आपको 100 रुपए देता हूँ। ओ साहब, मेरे शराब के 12 ठेके हैं और मैं तुझे खरीद सकता इस मोटे का क्या करूं? पमेला, टिक टिक टिक, टिरिंग 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 टिरिंग। नहीं माने
सोचा मैडम को एक प्लेजेंट सा सरप्राइज दिया जाए। आई होप इट्स प्लेजेंट। हाँ लेकिन तुम हमसे पहले हवाई जहाज से उड़कर आया हूं। बाय द वे तुम लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी। सफर तो सिर्फ 7 घंटे का है ना? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। ओह रियली? एनीवे मैंने तुम लोगों के रहने का इंतजाम करवा दिया है। आओ रितेश आओ। बॉय टेक द लगेज प्लीज। कम चलो। मम्मी, पापा शराब पीने जा रहे हैं। पीने दो बेटा। अच्छा पर पहले तो तुम उन्हें पीने से रोकती थी हा? और जब नहीं मानते थे तो झगड़ा करती थी। हाँ करती थी तो अब अभी ठीक करती हूँ। रितेश बस करो बहुत हो गया। ठीक है तुम्हें ये अचानक क्या हो गया? अरे सुना नहीं क्या तुमने? हाँ रोमी को ऐसा लगता है जैसे हम दोनों पहले एक साथ झगड़ा करते थे वैसा नहीं कर रहे। अरे बस करो बिना छोड़ो ग्लास। हम दोनों को झगड़ा करना पड़ेगा समझे? जोर से बोलो। हाँ पूजा ये मेरी पहली ड्रिंक है पूजा। अरे एक दिन नहीं पियोगे तो कौन सी कहावत आ जाएगी? अरे एक ड्रिंक पी लिया तो क्या हो गया? सफर में थक गया आराम कर रहा हूँ मैं। सफर तो रोमी और मैंने भी किया है। तुमको तो सिर्फ बहाना चाहिए पीने का। बहाना बनाने पर मुझे मजबूर कौन करता है? तुम। मैं तुम्हें मजबूर करता हूँ। तुम। मैं तुम्हें मजबूर करती हूँ। जा मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है। अगर मैं पीना चाहूँगा तो मैं पीऊँगा। तुम बोलोगे मुझे रोकने वाले। जब तक वो मारते रहते हैं। अरे नौ जन्म में भी तुम्हें उच्च सा पति नहीं मिलेगा। अरे बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं। अरे मैं भी तो देखो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें रोमी का बाप हूँ मैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम्हें हजारों में चुना हूँ कुछ तो अच्छी बात होगी मुझमें। अरे चिल्ला मत समझे मैं भी चिल्ला सकती हूँ। कुछ नहीं। अच्छा शैतान हूँ मैं। शैतान। हाँ घर बर्बाद कर चुका हूँ मैं। वो तो है
अरे बस करो बस करो, हाथ जोड़ दो। तुम कौन हो क्या मुझे रोकने वाली? लगता है जब तक हम दोनों झगड़ा नहीं कर लेते ना, इसे नींद नहीं आती। I'm sorry. लगी तो नहीं? नहीं तो तुम और पियोगे या सो जाओगे? नहीं, कल जल्दी जाना है। तुम हमारे साथ ये हिल स्टेशन पर कई बार आए हो, तब भी जब तुम पैदा होने वाले थे यहाँ के किसी मुकाम की याद तुम्हारे दिल में आवाज, नजारे और खुशबू की मिठास बनकर बैठ गई है। तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हें उन हर जगह पर ले जाएंगे जहां पर हम इकट्ठे गए थे। तुम अपनी आंखें, कान और दिल की खिड़कियां खुली रखना, क्योंकि तुम्हें बताना है कि वो जगह कौन सी है। ओके ओके।
कितनी वफाएं कितनी जताएं कितनी छुपाएं कह देना अपनी कहानी कितनी छुपाएं कितनी सुनाएं कह देना अपनी वफाएं कितनी जताएं कितनी छुपाएं कह देना अपनी कहानी कितनी छुपाएं कितनी सुनाएं कह मिली नहीं हो सकता है तुम लोग जगह ढूंढना ही नहीं चाहते थे हो सकता है मतलब मतलब ये कि जो मजा सफर में है वो मंजिल में तो नहीं बियर रितेश नो थैंक्स चल बैठे क्या कहना चाहते हो तुम कुछ नहीं आओ तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे रोमी को नहलाना है पापा मुझे वजीर अंकल अच्छे नहीं लगते ही स्टूपिड बेटे पूरी बात है बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते रितेश ठहरो मैं नहला देती हूँ मैं हूँ ना तुम जाओ ऐसी कौन सी जल्दी है मुझे ऐसा कौन सा काम आ गया है हाँ चल ये बाजारी और आवारा कुत्ता है इसको आवारा कुत्तों के साथ मार डालूंगा पापा ये इस पप्पी को मार डालेंगे आप इसे बचा लीजिए ना सुनिए भाई साहब मुझे जी हाँ आपको गलतफहमी हुई है ये पप्पी आवारा नहीं पालतू है ये हमारा है आप शक्ल से ऐसे आदमी लगते नहीं जो कुत्ते पालते हो तो फिर कैसे आदमी कुत्ते पालते हैं मैं सूंघ के बता सकता हूँ क्योंकि उनके बदन से कुत्तों की बू आती है मुझे तो आपके बदन से कुत्तों की बू आ रही है क्या आप कुत्ते पालते हैं ए मिस्टर अगर ये आपका कुत्ता है तो इसके गले में पट्टा और बिल्ला क्यों नहीं है अरे छोटे सरकार अगर आप इसे छोड़ देंगे तो बिल्ला और पट्टा दोनों आ जाएगा सब कुछ नहीं हो सकता भाई अरे सब कुछ पैसे चाहिए ए मिस्टर आप एक साथ दो जुर्म कर रहे हो एक सरकारी ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोक रहे हो और दूसरा उसको रिश्वत दे रहे हो नहीं भाई कोई दूसरा तरीका है जिससे इसे छुड़ा सके जी नहीं कोई और तरीका नहीं क्योंकि इसे सजाए मौत हो चुकी है कलम टूट चुका है हम ही कोर्ट है हम ही हाई कोर्ट है हम ही सुप्रीम कोर्ट है आपके सर की कसम बेटा, चलो, let's go, come on.
मिल गए पापा। मम्मी ये वही जगह जो मैं ढूंढ रहा था। पापा आपने मेरी दो मांगे तो पूरी कर दी, अब मैं आपको अपनी तीसरी मांग बताने वाला हूँ। बताऊँ? बताओ, वो भी पूरी हो जाएगी। आपने कसम खाई है पूरी करने की? खाई है। बदल तो नहीं जाओगे? सवाल ही नहीं बताता। हाँ पापा मैं जीना चाहता हूँ। पापा ये अचानक मम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। अरे तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है। मूड ठीक नहीं है? अच्छा गेस करो आज किसका ट्रंक कॉल आया था? किसका? पिताजी का। तुमसे भी बात करना चाहते थे। मैंने कहा कि पूजा घूमने गई है, तुमसे मशवरा करना चाहते थे। पूछ रहे थे कि हमने शादी की कौन सी तारीख तय की है। पूजा शादी की कौन सी तारीख रखें? मैंने कहा कि कौन सी तारीख फिक्स करें? किस बात की? हमारी शादी की। इन हालात में? अच्छा तुम्हारा मतलब है कि हम रोमी का इंतजार। क्या बात है, तू तो अच्छा बच्चा है ना, कभी दवाई के लिए मना नहीं किया। ले। नहीं चाहिए। क्या बात है बेटा? पापा आप मुझे प्यार करते हैं? करता हूँ तो तू जानता है। आप चाहते हैं मैं जिंदा रहूं? हाँ बेटे। तो आप मेरी तीसरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करते? क्यों नहीं कहते हाँ मेरे आका? बोलो बोलो ना पापा। मेरे बस में नहीं बेटे। क्यों बस में नहीं है? जी तो मौत के फरिश्ते से लड़कर मेरे दोस्त को ले आया था। लाया था कि नहीं? लाया था बेटे, लाया था, पर वो कहानी थी, ये हकीकत है।
तुम्हारा बाबा जिन नहीं, इंसान है, एक मजबूर इंसान है। आप झूठ बोलते हैं, आपने मेरी ट्रीट को इस पूरी करने का वादा किया था, किया था ना? आप झूठ बोलते हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। रोमी, 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 जान मांग मैं दूंगा, पर तुझे जिंदगी देना मेरे पास में नहीं है बेटे, मेरे पास में नहीं है। चल बेटे, बहुत ठंडा अंदर चल। नहीं आता, आपको मेरा जिंदा रहना अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटे, ये बात नहीं है, तू जानता है कुछ चीजें हम इंसानों के बस में नहीं है, इसका फैसला वो ऊपर वाला भगवान करता है, शादी उसी की मर्जी है। उसकी मर्जी? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे भगवान का? मैं कुछ दिन और नहीं जी सकता, अपने पापा मम्मी के साथ हंस नहीं सकता। अगर मैं और जी लूं तो भगवान का क्या जाएगा? कितने सारे बच्चे जिंदा रहेंगे, मेरी सारी क्लास, मेरे सारे स्कूल, और सिर्फ मैं। बेटे, तू भगवान से पूछना कि उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं नहीं पूछूंगा उससे, ऐसे भगवान के साथ मेरी कट्टे। ठीक है बेटे, मेरे से तो बात करेगा ना? हाँ मेरे आका। आज हमें खेले जा रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत ने वेस्ट इंडीज की टीम को 4 विकेट से पराजित कर दिया। आज की खेल की वर्ल्ड कप जीता है। हाल ही में वियना में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के कलाकार रितेश कुमार को हॉलीवुड की फिल्म मुगल एंड द राजपूत में काम करने पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। भारत के हाई कमिश्नर श्री जाफर ने दिखाएंगे ना? जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म। सो गया? दो मर्तबा फिल्म देख चुका है। अच्छा, उसकी दवाइयाँ। रितेश, एक बात कहूँ? कहो। मुझे हमेशा इस बात का गुरूर रहेगा कि मैं कभी तुम्हारी बीवी रही थी। तुम्हें एक बार फिर सफल देखना चाहती थी, सो देख लिया। सफलता मेरे किस काम की पूजा? मैं अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, उसने जीने के लिए चंद सांसें मांगी जो मैं नहीं दे सकता। मैं हमेशा नाकामयाब रहा,
हमेशा नाकामयाब रहा। पूजा से मिलकर नहीं जाओगे?
सामना नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें मेरे तरफ से शुक्रिया। ओके थैंक्स अगेन। रितेश तुम बहुत अच्छे बाप हो, महान। बाय बाय। कार मैंने खोया है, मैं तुमसे वापस नहीं मांगती, लेकिन जिंदगी के रास्ते पे मैं तुम्हारे साथ चल तो सकती हूं, बिना कुछ मांगे, बिना किसी बंधन के। बंधन तो है तुम्हारे और मेरे बीच, रोमी का देख जाने से पहले क्या दे गया है। पापा आपने मेरी तीसरी मांग भी पूरी कर दी, पता है अभी अभी चांद ने मुझसे क्या कहा, कहा तुम मम्मी और पापा के बीच में प्यार हो, जब तक यह प्यार रहेगा मैं जिंदा रहूंगा, पापा मैं नहीं मर सकता, मैं जिंदा हूँ, मैं जादू हूँ, मैं जादू हूँ पापा। रितेश रोमी के बाद मैं बहुत अकेली हो गई, मुझे एक और रोमी दे दो।